स्वागत आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जय माता दी, सुप्रभात सभी को। और अभी मैं पहले चाय बना ले रही हूँ, उसके बाद फिर सुबह का काम शुरू करूँगी। और इधर देखिए, मैं अभी आ गया ड्यूटी से और बच्चे इस बीच में स्नान ध्यान कर लिए हैं और अपना अपना पढ़ाई कर रहा है। शशि मोबाइल की सहायता से पढ़ाई कर रहा है, कुछ ये उतार रहा है उससे क्वेश्चन आंसर। चलिए बच्चे पढ़ेंगे, अब मैं भी जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा फिर नहाऊंगा। नीतू बच्चों का कपड़ा भी साफ कर चुकी है, मेरा भी कपड़ा, बच्चे नहा लिए, कपड़ा धुलाई करके रख दिया, स्कूल ड्रेस वगैरह है। चलिए मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए। और आज धूप फिर अभी तो तेज है, हल्की हल्की बादल भी कहीं कहीं, लेकिन दोपहर बाद डेली आंधी और पानी कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कल भी आंधी थी और बादल भी काफ़ी लगी थी, लेकिन बारिश हल्की सी हुई। ये गए थे मार्केट आज फिर, तो ये लेके आए हैं परवल वहाँ से। इसको मैं अभी पानी में डाल के छोड़ दी हूँ आधे घंटे के लिए। और वहाँ से फ़ोन किए गए थे सिर्फ परवल लाने के लिए, और भी इनको थोड़ा काम था तो उसके लिए गए थे। पर वहाँ से फ़ोन किए जो मछली खाने का मन हो रहा तो मछली लेते आओ, तो ये देखिए वहाँ से मछली भी लेके आए हैं, तो उसमें ये मछली का अंडा भी निकला है। तो जा रही हूँ मैं अब मछली बना देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ताज़ा मछली मिलती नहीं है, बर्फ वाली मछली है तो रेहू मछली, पर बर्फ वाली है, ताज़ा नहीं है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट बना देने के लिए, उससे पहले बना के बच्चों को रुआबजा दे दे रही हूँ, क्योंकि इन्हीं के इंतजार में थी जो ये भी आ जाएंगे, तो साथ में रुआबजा बना के हम लोग चारों आदमी पी लेंगे। तो यहाँ देखिए चीनी मैं डाल दी थी, जो चीनी तब तक मेल्ट हो जाएगा थोड़ा, फिर तो चीनी लगता है थोड़ा टाइम। और दही वाली भी रुआबजा बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है पीने में। मैं कभी दही लाऊंगी तो वो भी बनाऊंगी। छाछ में या लस्सी में डाल के भी होती, छाछ में नहीं, दही या लस्सी में होता है, किसी में भी मिला दीजिए, दूध में, दूध भी डलती है इसमें, दूध भी डलती है, पर दही वाली गाढ़ी करके दही बना के, या जिसके पास फ्रीज है वो बर्फ डाल के पीजिए, बहुत अच्छी लगती है, मतलब क्रीम के जैसे लगेगी, और आइसक्रीम भी उसके सामने फैल है। ये अब सबको पी रहे हैं रुआबजा। मछली में डालने के लिए आ गए हैं अपने गमला से, छोटी सी बगिया जो है गमले में, उसमें से धनिया पत्ता इनकी इसका पौधा कहीं कहीं से निकाल लेते हैं, खुशबू हो जाएगी उसमें, खाने में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए कहीं कहीं से निकालेंगे ना जो गिरा हुआ है, ये कुछ बड़े पौधे हो गए हैं। चलिए धनिया तो निकाल लिए हैं, चलिए मछली के अंडे का पकौड़ा बनना शुरू हो गया है। और इधर मछली के लिए मसाला सभी तैयारी, लहसुन पेस्ट, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता तो वहाँ ले आए हैं। चलो मछली फ्राई करने के बाद, ये अंडा जब तल जाती ना उसके बाद मछली फ्राई होगी। मछली अंडे का पकौड़ा बन के तैयार है और अब मछली फ्राई होना शुरू हो गया है। इधर मौसम फिर खराब करते जा रहा है, दिखाते हैं आपको बाहर से, कल के जैसा ना हो जाए, फिर दो ढाई घंटे लाइट कट जाए। आज तो चलिए सिलेंडर आ गया है, इसलिए सिलेंडर मंगा ली थी मैं। सारा मछली अच्छे से फ्राई हो गया है, लास्ट ये मूरा बचा हुआ था। और आज कुछ यूनिक जो बनेगा, परवल फ्राई करके लिए तरी में डाल देंगे, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इसको सरसों वाले पेस्ट में भी बनाएं परवल को, तब भी अच्छा लगता है, और मछली में डाल देते हैं वो भी अच्छा लगता है खाने में।
देखिए कितनी जोर से बारिश होने लगी है। अभी अभी दिन के 1:40 हुआ है। इधर तो बहुत तेज बारिश होने लगी है। और ये देखिए मछली बनके हो गई है तैयार। कसूरी मेथी और धनिया पत्ता मैं डाल रही हूँ। और ये देखिए मछली तो बन गई है। और मैं रात के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। रात में रोटी के साथ ही खाएंगे क्योंकि मौसम हो गया थोड़ा ठंडा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए शुभ रात्रि।